नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीचों बीच मैनेट परिसर में घुसे हुए बाघ को पकड़ने में आखिरकार वन विभाग ने सफलता हासिल कर ली है। करीब 13 दिन से यानी 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया था, लेकिन ये बाघ पकड़ में ही नहीं आ रहा था। मैनेट कैंपस, जो कि देश के जाने माने संस्थानों में से एक है, उस संस्थान में जो भोपाल के बीचों बीच बसा हुआ है, वहां पर ये बाघ बीते 13 दिनों से घूम रहा था। न केवल घूम रहा था बल्कि 4 मवेशियों का शिकार भी कर चुका था, उन्हें मारकर खा चुका था। लेकिन बाघ की वन विभाग के साथ ये आंख मिचोली लगातार जारी थी। जिस दिन मैनेट परिसर में ये बाघ दाखिल हुआ था, जब इसको सबसे पहली बार देखा गया था, उस समय ये महज एक अफवाह सी लग रही थी। लेकिन जब वन विभाग ने देखा कि कैंपस में मौजूद एक गाय का बछड़ा जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, तो जब उसके जख्मों को इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो जख्म बाघ के पंजों के निकले। इसके बाद वन विभाग सतर्क हुआ और करीब 50 कर्मचारियों की एक पूरी टीम दिन रात मैनेट परिसर में ही मौजूद रहने लगी। वन विभाग ने इसके बाद एक पिंजरा लगाया। पिंजरे में बाघ को पकड़ने के लिए बकायदा जाल बिछाया गया, एक बकरा वहां रखा गया, लेकिन उस पिंजरे में बाघ कैद नहीं हुआ। 13 दिनों तक इस दौरान बाघ परिसर में अलग अलग जगहों पर घूमता रहा और कुल 4 मवेशियों का शिकार किया। शिकार करके मवेशियों को बाघ ने खाया भी। वन विभाग ने करीब 21 ट्रैप कैमरे उस पूरे इलाके में लगा दिए थे जहां पर इस बाघ की मूवमेंट थी। हैरानी की बात यह है कि बाघ इंसानों को तो नहीं दिख रहा था, लेकिन ट्रैप कैमरों में लगातार रात के समय उसकी फोटो पकड़ में आ रही थी। ट्रैप कैमरों के जरिए वन विभाग ने यह पता लगा लिया कि यह बाघ कौन है। वन विभाग के मुताबिक यह बाघ है T1234। यह बाघ रातापानी सेंचुरी जो है वहां पर रहता था, लेकिन यह वहां से होता हुआ कोलार के पीछे के जो जंगल है वहां से घूम करके सबसे पहले कालियासोत के जंगलों में आया, केरवा से होता हुआ, और फिर कालियासोत के जंगलों से होते हुए जो एक्सीलेंस कॉलेज है उसके पीछे से वाल्मीकि का जो जंगल है वहां से होता हुआ खुशीराम आयुर्वेदिक कॉलेज, और फिर उसके बाद वहां से मैनेट परिसर की एक टूटी हुई जो दीवार है वहां से ये बाघ मैनेट कैंपस में दाखिल हो गया था। 13 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग इस बाघ को पकड़ने में कामयाब क्यों हो पाया, उसकी एक बड़ी वजह है कि दरअसल इस बाघ को पकड़ने के लिए जो पिंजरा पहले लगाया गया था, बाघ उसमें पकड़ में नहीं आ रहा था। इसके बाद वन विभाग ने एक और पिंजरा लगाया, लेकिन बाघ उसमें भी पकड़ में नहीं आया। और आखिरकार जब तीसरा पिंजरा लगाया गया तो फिर ये बाघ उस तीसरे पिंजरे में पकड़ में आ गया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आखिरकार वन विभाग ने इस बाघ को पकड़ने में सफलता तो हासिल कर ली है, लेकिन अब इस बाघ को लेकर के सवाल ये उठ रहा था कि इसको ले जाएंगे कहां। वन विभाग के मुताबिक इस बाघ को अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। हालांकि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की किस रेंज में ये रहेगा अभी ये तय नहीं है, लेकिन वन विभाग जिस तरीके से बाघ की सेहत बनी हुई है, वो तंदुरुस्त है, स्वस्थ बाघ है, युवा बाघ है, करीब करीब 2.5 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। इसीलिए वन विभाग के मुताबिक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ही इस बाघ के विचरण के लिए सबसे मुफीद जगह रहेगी। अब 13 दिन तक कैंपस में दहशत का माहौल था, वो अब कहीं जाकर इस बाघ के पकड़े जाने के बाद खत्म हो चुका है। और अब मैनेट प्रबंधन के साथ साथ उस इलाके में, उस कैंपस में रहने वाले करीब 7,000 छात्रों ने राहत की सांस ली है।